आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसी कड़ी में आज प्रूनिंग और कटिंग कोई भी पेड़ की किस प्रकार की जाती है और क्यों की जाती है। तो प्रूनिंग और कटिंग इसलिए की जाती है कि प्लांट को एक रिलायबल शेप और साइज देने के लिए। तो दोस्तों इसका एक फायदा है कि आपका प्रूनिंग और कटिंग से फायदा यह है कि आपका पेड़ एकदम मोर जैसी पंख फैलाता है उस प्रकार का गोलाकार होगा और एक वेल बैलेंस्ड होगा। इसका एक मेव कारण यह है प्रूनिंग और कटिंग करने का। तो दोस्तों प्रूनिंग और कटिंग कहाँ से शुरू की जाए, कंसिडर करिए हमने यहाँ पर ग्राफ्टिंग की है। कंसिडर करो यहाँ सक्सेस होगी ग्राफ्टिंग, इसे एक फिट ऊंचा होने दीजिएगा। उसके बाद में इसकी जो टिप है, टिप अंगूठे से तोड़ देने का, टिप या तो कटर से कट कर देने का, कटर से कट कर देने का इसका टिप जो सेंडा कहते हैं, टॉप पार्ट कहते हैं। और जब एक फीट के ऊपर से टॉप का कटे तो उससे दो तीन ब्रांचेस निकली, तीन या चार। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ मैंने प्रूनिंग की, इसमें से भी दो ब्रांच निकली। अब दो ब्रांच हो गई, कंसिडर करो इसके बाद में इसको फिर अभी मैं इसका टिप तोड़ दूंगा यहाँ से, तो इससे क्या होगा तीन तीन चार चार ब्रांच निकलेगी। देखिएगा इस प्रकार, या तीन ब्रांच निकली, तीन ब्रांच निकली, यहाँ पर तीन ब्रांच निकली, देखिएगा। तो इस प्रकार आप पेड़ को चारों तरफ से, तीनों तरफ से बैलेंस रखने का। अब ये थोड़ा अनबैलेंस पेड़ है, इसकी मैं आपको कल्पना नहीं करूंगा। तो इस प्रकार के पेड़ों को जब आप प्रूनिंग करते हैं तो अलग हर डायरेक्शन पे बैलेंस होना चाहिए। समझो कंजे करो, अभी अगर यहाँ से इधर निकले पूरे, यहाँ से तोड़ने के बाद इधर निकले इसी साइड में, तो आपका पेड़ ऐसे झुक जाएगा। इसलिए जैसे एक अगर से इधर ब्रांच निकली कंसिडर करो, तो एक ब्रांच इधर की रखने का और इसको एक को कट कर देना ताकि ये पेड़ बैलेंस रहे। इस प्रकार ऐसे गोलाकार यहाँ, तो यहाँ कितने बार करने का, ओनली 3 times, ज्यादा बार नहीं। एक बार एक फिट के या दो फिट के बाद, एक फिट के बाद में तोड़ने का है, फिर एक एक फिट उनको हो देने का है, फिर उनको फिर एक फिट के बाद में, ऐसा 3G कटिंग यानी 3G प्रूनिंग टाइप का, उसे आपको 3 to 4 times ओनली करने का है, ज्यादा नहीं। उसके बाद में वहाँ पौधा ही ऑटोमेटिकली मस्त झुटकेदार हो जाएगा मोर के पंख टाइप का। तो इस प्रकार आप प्रूनिंग और कटिंग आपको छोटे पेड़ से ही स्टार्ट कर देने का है। और इससे एक फायदा होगा कि आपके पेड़ पे चढ़ने के लिए सुविधा होगी, यहाँ मेन फायदा। क्योंकि देखिएगा जामुन के जब भी आप पेड़ लगाते हैं तो जामुन का पेड़ सीधा ही होता है और जामुन के पेड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जामुन के भी पौधे अगर लगाते हैं सीड से भी विदाउट कलम वाले, उसको भी यानी प्रूनिंग और कटिंग करते रहिए फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी एक फिट ऊपर से ही आप शुरू कर दीजिए और वहाँ 3-4 feet तक ये काम कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पौधा बड़ा होने के बाद में आसानी से आप जामुन वगैरह तोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो ज़्यादा ऊंचे पेड़ होते हैं, इन पेड़ों को अक्सर ट्रेनिंग, प्रूनिंग और कटिंग करना अति आवश्यक है सिर्फ एक शेप देने के लिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब किया, थैंक यू।